हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी विद रिसर्च रॉक संग्राम और आप देख रहे हो एपिसोड नंबर 3 इन स्विट्ज़रलैंड। और मैं आज जाने वाला हूँ, आज मेरा ज़ुरिक चेकआउट करके मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन से मैं टिकट लेकर जा रहा हूँ सीधा इंटरलाकन। सो इंटरलाकन जाते वक्त मैं वाया बर्न और लुसेन से जा रहा हूँ, तो थोड़ा वक्त वहाँ बिताकर मैं सीधा जाने वाला हूँ इंटरलाकन। और मैं आपको ये जर्नी बताऊँगा पूरी बाय ट्रेन से, कैसा रूट है और किस तरह से स्विट्ज़रलैंड की सीनिक ब्यूटी आप देख पाते हो यूजिंग ट्रेन। और निकलने से पहले मैंने सबसे पहले टिकट परचेस किया, जो कि टिकट का प्राइस था मेरा 38 स्विस फ्रैंक्स, जो कि पूरे दिन तक वैलिड था, मतलब 24 आवर्स के लिए वैलिड था। तो मैं ज्यूरिक से इंटरलाकन जाते वक्त बर्न में भी उतर सकता था, लुसेन में भी उतर सकता हूँ। तो ये 24/7 चलता है, मतलब अभी टिकट निकालो तो कल, सपोज़ मैं अभी 3 बजे निकालूंगा तो कल 3 बजे तक ये वैलिड होगा, और मैं कल दिन 3 बजे तक भी इंटरलाकन पहुँचा तो चलेगा। तो इन बिटवीन मैं दोनों स्टॉप पे उतर के थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करके फिर इंटरलाकन जाने वाला हूँ।
और ये आ गया मैं 6 घंटे के बाद इंटरलाकन में फाइनली, और इंटरलाकन में मेरा स्वागत होता है स्नो के साथ में, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग था मेरे लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ आप ट्रैवलिंग करते हो और बारिश और स्नो शुरू हो जाता है, इट्स हॉरेबल। सो इंटरलाकन स्टेशन से मुझे एक 5 नंबर की बस लेनी थी और मेरे हॉलीडे होम तक मुझे जाना था, और मतलब ट्रेन स्टेशन के बाहर ही यहाँ पर बस स्टॉप होता है, तो वहाँ से मैं 5 नंबर की बस लेके जा रहा हूँ मेरे हॉलीडे होम, और उससे पहले मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ स्नो में। और ये था मेरा हॉलीडे होम जो कि मैंने बुक किया था booking.com से, और ये मुझे गिरा था तकरीबन 3 नाइट्स के लिए 5,400 रुपये में, जो कि बहुत ही मुझे चीप मिला था। लेकिन आई सजेस्ट, यदि आप आपके फैमिली या पार्टनर के साथ आते हो, सो डोंट यूज़ इन हॉलीडे होम। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यदि इंटरलाकन में या यूरोप में आप ट्रैवलिंग करते हो विद फैमिली, तो यूथ हॉस्टल इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। यूथ हॉस्टल के सामने 5-स्टार होटल भी 0 है, जो कि मैंने इंटरलाकन का यूथ हॉस्टल देखा है, तो मैं वो आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा कि अंदर से वो किस तरह से दिखता है, और उसमें सब फैसिलिटीज़ होती है, आपको वो ब्रेकफास्ट देते हैं, देन किचन भी आप उनका यूज़ कर सकते हो। यदि आप इंडिया से रेडी टू फूड लेकर आते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, पैसे बचते हैं और आपको हेल्दी खाना मिलता है। आप यदि यूरोप में आते हो तो आपको बटर और ब्रेड ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, वंदे मातरम।